तो फ्रेंड्स बच्चे भी हो गए तैयार, मैं भी हो गया और हम चल दिए शिवलोती के नाम के। आंसू और गुड्डू रही हैं, गुड्डू का क्लास वगैरह चल रही है और इसका बीपी वगैरह की दिक्कत है तो ये जा नहीं रही, तो चलते हैं जी। चढ़ा दिया है? हाँ चढ़ा तो दिया। आओ तो चलो आओ। हाँ तो ये जल चढ़ा दिया हमने और हाथ जोड़ लिए। जल का दूध ही चढ़ा, जल का तो लोटा ही नहीं मिला, सब बिजी हो रहे लोटे भी। फिर हमने दूध चढ़ा दिया और हाथ जोड़ लिए। और मैं दिखा दूँ आपको बैक कैमरे से यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया और ये मेन प्रसाद है। वैसे भंडारा भी स्टार्ट नहीं हुआ, भंडारा भी होना तो भंडारा तो जब तक स्टार्ट होगा हम दोबारा आवेंगे फिर, है ना, दोबारा आएंगे भंडारे में तब भंडारा खाएंगे। और अभी ये प्रसाद चल रहा है यहाँ पे खीर का, खीर का प्रसाद ले लिया हमने। इधर देख रहे होंगे आप लहन लग रही है। हाँ खीर बहुत टेस्टी होती है, तो आ जाओ जी आप भी ले लो प्रसाद। ये भंडारे की तैयारी हो रही है, यहाँ पे भंडारा होगा है ना। पानी तो आ रहा फिर भी नदी में थोड़ा। लगभग एक घंटे बाद तैयारी हो जाएगी यहाँ सारी और भीड़ भी पूरी हो जाएगी है। चले तो यहाँ देखिए जी मंदिर कितना सुंदर सज रहा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही है और यहाँ पे बहुत मन लगता है, बहुत ज्यादा संगत आती है इसमें। अभी तो यहाँ पे सुबह का ही टाइम है तो अभी खाली पड़ा है, लेकिन 11 बजे के बाद तो यहाँ आप समझ लेना कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तो इसीलिए सुबह ही चले जाते हैं हम सुबह जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर से बाद में आते हैं तो वहां पे फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो फिर यहाँ पे भंडारा चलता है, भंडारा एक तो मंदिर की साइड से ही चलता है, दूसरा यहाँ पे जो जिसकी मन्नत पूरी होती है या फिर जिनकी श्रद्धा होती है वो अपनी तरफ से भी लोग देते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आज भंडारे चलते हैं। तो अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि खाली पड़ा है, लेकिन बाद में यहाँ पे 11 बजे के बाद लगभग इतनी भीड़ हो जाएगी, और कल तो मुझे लग रहा 5 बजे तक कह रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ थी मंदिर में, बहुत ही ज्यादा 5 बजे तक जो भंडारा था वो चला। तो यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, बाकी यहाँ पे हमारे से तो खैर बाद में नहीं जाया गया, सुबह ही बस ये चले गए थे, बाद में फिर टाइम नहीं लगा। तो आते हुए यहाँ पे फिर बच्चों ने किया है थोड़ा सा इंजॉय, यहाँ पे ये झूला लगा हुआ था तो ईशु और पीहू थी इनके साथ, तो इन्होंने बोला होगा कि पापा मैं झूलना, तो यहाँ बच्चों को इन्होंने थोड़ी सी मस्ती भी करा दी और उसके बाद बस फिर चल दिए थे घर। क्या बात क्या हुआ ईशु, नु कह रही तबीयत खराब हो गई थी पीहू की? अरे ना तो आज मुझे डरा दिया था देर। पीहू ने क्या हुआ ऐसा? आज मैं बताए जरा क्या हुआ ईशु, तो कह रही है मम्मी हम दर्शन करके आ गए, फिर वहां पे था मिक्की माउस, हमने वहां पे बहुत सारा खेला, फिर दीदी जैसे ही वहां से उतरी ना तो उनके आंखों के सामने एकदम काला काला सा हो गया, मतलब आंख बंद हो गई, फिर उन्होंने आंख खोली तो एकदम ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था, वो बेहोश हो गई थी। और फिर इनके अंदर से ना बिल्कुल एनर्जी चली गई, तो पापा इनको ना पट्टी पे लाए, फिर थोड़ी देर चले तो थोड़ी देर बैठी, फिर पट्टी पे लेके गए, फिर पानी मिला, वहां पे पानी पिलाया दीदी को, फिर थोड़ी दूर ये चली, एनर्जी आ गई थी पानी से, तो हमें नीरज चाचू और मिले, उन्होंने हमें स्कूटी की चाबी दे दी, फिर आए थोड़ी सी और दूर चले, फिर स्कूटी मिल गई। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, इतनी छोटी होते सफेद, मुंह भी सफेद, बिल्कुल सफेद हो गया,
और मैं जब ज्यादा कमजोरी इसमें देखा तो सफेद हो गई पूरी की पूरी, फेरी से पानी पिया वहां से वो बीच में मंदिर है शीतला माता का। अच्छा वहाँ हुआ क्या? उस तो पहले ही होगा था वन तो फिर। अच्छा शिवलोती तो चल दी है तुम जब हुआ ऐसे? शिवलोती तो चल दी है, जिद करने लगे मुझे मिक्की माउस झूलना है, चल मैं चल लू झूल लो दोनों के दोनों थोड़ी देर, यानी ज्यादा भी नहीं झूले थोड़े से पे यार। पता नहीं कैसा डाउन सी मुझे ऐसे कल तो ही लग रही थी, इसे तो दिखानी पड़ेगी फिर डॉक्टर का। फिर से पट्टी को दिखा दो, इसे कहा मैं फट दे देख वहाँ गिलास है क्या, वहाँ गिलास नहीं मिला, इतना मैं आ गया था वहाँ शीतला माता के मंदिर में। फिर इसे बिठा के एक जगह फिर उसको तो ही पानी पियाया, उसको तो पानी पिया इसे एक मिनट में ही सोती ही आई, फिर यह कह रही है कि कुछ ठीक सा है। ऐसा पता नहीं कि वो क्या दिखानी पड़ेगी सर, मतलब जैसे टाइम लगे ना जाने में वो पता ही। वीकनेस है इसमें या वीकनेस की वजह से हुआ मुझे? बेहोशी थी बस, न तो बेहोशी और ना ठीक थी, और सफेद मुंह और होंठ बिल्कुल सफेद। पता नहीं किस वजह से हुआ ऐसा, दिखानी पड़ेगी तेरी सा डॉक्टर का और सारी बात। या कमजोर भी तो ज्यादा हो रही, देखा नहीं या कैसे हो रही, अरे बहुत दिक्कत हो रही बेटे। एक तो फ्रूट वगैरह खा करो, अरे यहाँ तो खावे हैं फ्रूट वगैरह भी, ऐसा नहीं है खाती नहीं बच्चे तो नहीं, गुड्डू ही तो नहीं खाती फ्रूट, पीयू ईशु और रूही तो तीनों खावे हैं, और कृष्णा भी पीयू तो खा लिया फ्रूट फिर भी पता नहीं। चलो कोई नहीं, ध्यान रखा कर बता। मैं तेन ये तो ले गए थे तेरे पापा खुश हो गया, चल दोनों को दर्शन करवा लूंगा, इन्हें क्या पता था ऐसा कुछ होगा, बस टाइम का कुछ नहीं पता चलता। चलो इसे तो दिखाई जा गया आज तो, और देखे इनकी हालत देख लो, डर गए हैं बहुत। क्यों असल में बच्चा घर में हो तो कुछ कर भी लो, अब ऐसी जगह क्या कर सके हमारे रास्ते में, वैसे थे पानी पानी हो सी आई। चलो चलो खाना खा लो फिर, मैंने बना दिया नाश्ता, नाश्ता कर लो ठीक है, या भी कर लगी फिर एनर्जी सी आवेगी इसमें। अगर वो भी एप्पल खावे तो फ्रेंड्स काम हमारा हो गया सारा, साफ सफाई भी हो गई, आज आंटी भी जल्दी आ गई थी वह भी करके चली गई, क्योंकि सभी को शिवलोत्री जाना आज, उनको भी वहाँ पे जाना था तो इसलिए जल्दी आ गई, और किचन मैंने समेट दी, नाश्ता भी सबने कर लिया, और पीहू की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, रिलैक्स कर रही है वो। बाकी हमने सोचा कि आज उसको डॉक्टर के यहाँ ज़रूर दिखाएंगे, अगर डॉक्टर खुले हुए मतलब होंगे आज छुट्टी पर होंगे तो ये लेट भी है, और ईशू और ये गुड्डू कर दिया अपनी पढ़ाई, क्योंकि ईशू की तो गुड्डू क्लास होगी पूरी सारी होगी, तो गुड्डू की क्लास चल रही थी वो भी अपना कर ली उसने अभी अभी हुई शायद। तो बस अभी इस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो उधर हमारे जो घर बनेगा उसका जो मुहूर्त है आज वो वाला होगा। तो आज की वीडियो बस इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। कौन आया ऑटो में?